सही है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी मैं हूँ नारंगी कलिता कुची में। सुबह को 2 रोटी और थोड़ा सा चावल खाया हूँ, सुबह को नहाया भी नहीं है। तो अभी रूम पे जाएंगे, रूम में जाके नहाएंगे। वैसे आज मेरा पेट भी खराब है, तो पता नहीं आज मैं घूम पाऊँगा कि नहीं। यहाँ से ना गूगल मैप भी चल सकता हूँ, तो रास्तों के बारे में मुझे ज़्यादा पता है। अभी सामने से टेम्पो पकड़ेंगे, सीधा जाएगी आपका पल्टन बाजार स्टेशन के ठीक पीछे। ये देखो गर्मी आज का, और ये लगाई है सोलर। आज मैं जा रहा हूँ दिगाली पुखूरी। वो भी सोच रहे होंगे कि मैं रेलवे स्टेशन में क्या कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन से आप शॉर्टकट ले सकते हैं। काफ़ी दिनों से प्लान बना रहा था, नागपुर की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था, और भाई इतनी गर्मी है, इस गर्मी में कुछ प्लान बना भी मुश्किल हो गया है। आज सोचा कि भाई बस हो गया, आज तो जाना है। शॉर्टकट के वजह से मेरा 500 मीटर बच गए, और घूम के जाए तो 500 मीटर ज़्यादा चलता, ज़्यादा घूमता, और ऊपर से पैसे भी जाते। यहाँ पे ट्रैफिक का हाल तो ऐसा है कि मतलब आप 2 किलोमीटर अगर जाना चाहे तो बसों में एकदम आधे घंटे से 40 मिनट लग जाती है। और दूसरा माध्यम भी नहीं है, क्योंकि आप अगर ऑटो में जाएंगे तो काफ़ी भाड़ा लग जाता है। बसों में जाएंगे तो एक तो आपका टाइम खोटी होगा, दूसरा होगा आप एकदम गर्मी में बॉयल हो जाएंगे अंदर। इन पत्तों को भी देखो, एकदम मर मर के हिल रही है। तो भाई दिगली पुखूरी का पास में तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन भाई इतना मातम छाया हुआ है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि भाई बंद हो गई है, और 8 बजे का टाइमिंग है क्लोजिंग, अंधेरा छाया हुआ है भाई। अरे भाई एक औरत से पूछिए अभी इसका गेट किधर है, मेरे कोई दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा सामने जाके राइट ले लेना। तो भाई दिगली पुखूरी का तो गेट बंद है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी बढ़िया है, और बच्चों के भी खिलौने हैं, फैमिलीज भी आए हैं और सब मिलके खाना खा रहे हैं। जैसे कि नेहरू पार्क के बाहर स्ट्रीट फूड्स के ठेले लगते थे, यहाँ पर भी काफ़ी सारे फूड ट्रक्स लगी हुई है, आप पीछे भी देख सकते हैं भीड़। सोच रहे हैं कि आए हैं तो कुछ खा के जाते हैं, माहौल अच्छा है, खाने का भी मज़ा लेते हैं। तो भाई जहाँ भी जाओ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें पे खड़ा रहना मुझे पसंद भी नहीं है। देखते हैं आगे जाके, काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद एक जगह मिली है जहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा सकता हूँ। ये हो गया इनका चार्ट, ये आप भीड़ देख सकते हैं, ये बंदे भी आराम से बैठ के खा रहे हैं, और हम बैठेंगे यहाँ पे आराम से, कोई भी नहीं है। तो भाई अपना गर्मा गर्म हक्का नूडल्स आ गया है, साथ में ली है एक स्प्राइट। भैया ओ भैया पता हो सैलेड होगा? सैलेड सैलेड, अच्छा चाइनीज में सैलेड नहीं होता है, सही है। इंडियन मुझे आज जाके पता चला। तो खाना वाना हो चुका है, खाना बहुत ही बढ़िया था, और खाते खाते मैं जो यहाँ के जो ओनर है ओनर से मैं बात कर रहा था, बात करते करते पता चला कि इनका खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल है। तो ये हैं भाई अपने बैठे हुए, इन्हीं का ये सेटअप है, ये और अपने दोस्त है, दोनों मिल के ये बिजनेस चलाते हैं। लिंक शेयर करूँगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों के सपोर्ट के सहारे हमें हम ऊपर चलेंगे। तो अभी भाई के साथ काफ़ी बातें हुई, ये भी सिद्धर के बहुत सारे लोगों को जानते हैं, काफ़ी दोस्त भी हैं इनके। तो भाई कुछ कहना चाहते हो? कि आइए कभी, अगर अच्छा लगा तो खाके यहाँ पे। हाँ खाना बढ़िया है, सिद्धर के लोगों को भी बताइए फूड बैंक के बारे में। हाँ खाना बढ़िया है, जो प्राइस है वो भी सही है, फैमिलीज के साथ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं, और
भाई का जो दुकान है वहाँ पे आके आराम से आप खा सकते हैं। आपका वीडियो देख के आएगा तो मैं थोड़ा देखूँगा। ये सेटअप भी है, नया है, 3-4 महीने हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ये एक स्ट्रीट क्या कह सकते हैं आप, स्ट्रीट फूड का एक एरिया है। यहाँ पे अब गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है, बस स्ट्रीट फूड्स लगते हैं, फिर बच्चों के खिलौने लगते हैं। और भाई की दुकान में ज़रूर आना, देख लो अच्छे से, इन्हीं की दुकान में आना है, खाना बढ़िया है एकदम। तो भाई अपन पहुँच गए आइसक्रीम के दुकान पे। भाई जी क्या है? चोकोबार है, फ्रिस्ट है, कोनेटो है, बाटी है, मैग्नम है। पहले खोलिए देखते हैं क्या क्या है। वेनिला का पार्टी निकाली। काफ़ी अच्छा टाइम गया यहाँ पे, तो भाई को भी कहा कि अगर सिलचर आओगे तो ज़रूर मिलना हमसे, हम दिखाएंगे उनको सिलचर। फिर से चलते चलते गलत रास्ते चल दिए, गलत रास्ते पे जाके एक चीज़ पता चली, अरे भाई अपना नेहरू पार्क तो भाई बगल में ही है, लेफ्ट साइड से दिगुली पुकड़ी जा सकते हैं और राइट साइड में हो गए नेहरू पार्क से जा रहा था तो रास्ते में मिल गए। एक ग्लास पी लूँ, ये गन्ने का रस मेरे को बहुत पसंद है, जहाँ कहीं दिखता है मैं पी लेता हूँ। सिलचर में एक चीज़ है घटी गरम बोल के, वो भी जहाँ पे मिलती है मैं खा लेता हूँ।